बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं अताबाद झील में हूँ और यहाँ एक दिलफरेब मंजर है। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हैं और आपको जैसा कि मालूम है ये एक बेहतरीन जगह है। और मैं इस वक्त का एक चैनल यूट्यूब चैनल होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आप जानते हैं इस प्रोग्राम का मकसद ऐसे होल यूथ को डेवलप करना फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। और लास्ट टाइम हम इसी चैनल के थ्रू एक टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, किस तरह से खुश रहा जाए जिंदगी के अंदर। तो लास्ट टाइम भी हमने नेचुरल कुछ व्यूज आपको दिखाए थे कि जिंदगी में खुश रहने के लिए यानी ये नेचर को स्टडी किया जाए, नेचर को देखा जाए। तो इंसान के लिए महजूज होने के लिए, खुश होने के लिए खुदा ने मुफ्त में अल्लाह ताला ने कैसी नेमतें रखी। देखिए, बुलंद बाला पहाड़ी चोटियों का नज़ारा करें और बर्फ से ढकी हुई जो चोटियां है वो एक दिल फरेब मंजर पेश करती है। और ये झीलों का नज़ारा करें, ये झील जो है यानी इंसान को खुदावंद ताला ने मुफ्त में अता किया है, जिसके अंदर इंसान गहराई से देखने से या कंसंट्रेशन के साथ, जरूरी है कि हम मुकम्मल तौर पर यानी सेल्फ रिलाइज होकर इस मंजर से महजूज हो जाए, क्योंकि खुशी का दारो मदार इंसान के अंदरूनी कैफियत से है, दिल से है। इसलिए अगरचे इंसान किसी जन्नत नुमा जगह भी जाए, लेकिन अगर वो फ्रस्ट्रेशन में है, अंदर से मुतमईन नहीं है, तो कभी खुश नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऐसे मौके पर इंसान पूरी तरह से प्रेजेंट हो तो वो कुछ और ही कैफियत होती है उस दौरान। तो वो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर एक और पहलू पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हम किसी गुज़िश्ता वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि खुश रहने के लिए इंसान दुनिया में हर हालत को एक्सेप्ट करे। दुनिया में जो भी इंसान को पेश आता है, चाहे बीमारी हो, चाहे कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी एक्सीडेंट हो, लेकिन जब भी इंसान के सामने अचानक कोई मुसीबत आती है तो उस वक्त इंसान सोचता है कि मेरे साथ क्या हुआ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, अल्लाह ताला से शिकवा करने लगता है। लेकिन उसके दर पर्दा कोई ना कोई हिकमत, कोई ना कोई मसलिहत होती है। मसलन एक बंदा यानी एग्जाम के अंदर फेल होता है, वो चाहता है कि मेडिकल सीट में जाए लेकिन नहीं होता है। बाद में पता चलता है कि यानी कोई और ऐसी अपॉर्चुनिटी उसको मिलना होती है। इसी तरह किसी शख्स का नरीना औलाद नहीं होती है तो वो इस बात का रोना शुरू करता है कि मेरी नरीना औलाद क्यों नहीं है। लेकिन मुमकिन है, हो सकता है वही औलाद कल जाके उसके लिए जो है मुसीबत बन जाए, दुश्मन बन जाए, ऐसा भी हुआ है जिंदगी के अंदर, ऐसे तजुर्बात हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पेश आता है इंसान के लिए अच्छे के लिए होता है। तो इसी सिचुएशन के साथ हम रिलेट करेंगे यहाँ कि किसी जमाने में ये झील नहीं थी और ये यानी चमक दमक, ये गहमा गहमी नहीं थी, कोई ऐसा मतलब मंजर नहीं था, लेकिन अचानक एक ऐसा वाकया पेश आया जो अताबाद झील बनने से पहले एक डिजास्टर पेश आया। तो उस दौरान यकीनन सब लोग परेशान हुए होंगे और अल्लाह ताला से शिकवा भी किया होगा, लेकिन क्या पता इसके पीछे एक बड़ी हिकमत थी, खुदावंद ताला की मसलिहत थी कि ये आगे जाकर लोगों की तरक्की का, डेवलपमेंट का बाइस बन जाए। हाँ, यकीनन उस वक्त बहुत सी जानें भी जाया हुई, लेकिन इंसानी जान को अगर जाया होना है तो किसी भी तरीके से वो तो खुदावंद ताला की तरफ से फिक्स है। मगर उस डिजास्टर की वजह से एक पहलू तरक्की का जो आपके सामने है, आज यहाँ लोगों के लिए रोजगार का एक जरिया है, खुशहाली का एक जरिया है। तो इस पूरी मेरी डिस्कशन का मकसद ये है, ये पहलू जाहिर करना कि इंसान के लिए कुछ भी पेश आ जाए उसको खुले दिल से इंसान एक्सेप्ट करे कि ये मेरे लिए मेरे हक में बेहतर है। तो इस वक्त हम इस झील के अंदर इंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही एक लुत्फानंदोज मंजर है। और इस दौरान हमारे साथ इस किश्ती के कैप्टन हैं
आगा शाही साहिब, तो ये यहाँ के मुकामी हैं, लोकल हैं, और इनसे भी हम पूछते हैं कि ये इसके हिस्ट्री से कुछ बात करें कि ये किस तरह से ये वाकया पेश आया, तब लोगों की क्या सिचुएशन थी और अब ये क्या फील कर रहे हैं, अब क्या अपॉर्चुनिटी मिली है, थोड़ी सी अगर आप वजाहत करेंगे तो। जी आगा साहिब। जब ये 2010 में सुबह के टाइम थी, तो जब ये वाकया हुआ तो लोग काफ़ी परेशान, वहाँ से इतनी रसाई हुई थी, बिल्कुल यहाँ पूरी अंधेरी हुई थी, तो लोग परेशान हुए थे, तो काफ़ी परेशानी से तकरीबन 4-5 महीने 6 महीने लोग आने जाने का भी मसला हुआ था, बर्फबारी हो रही थी, रास्ता बंद थी, तो लोग परेशान थे। तो काफ़ी अर्सा जब ये 2015 के बाद टनल बनी, फिर लोगों को आना जाना हुआ, यहाँ टूरिस्ट पॉइंट बन गई, तो अभी लोग खुश थे, क्योंकि 5-3-4 साल में काफ़ी लोग परेशान थे क्या हुआ, तो अभी लोग कारोबार कर रहे हैं, होटलें बन रहे हैं VIP, तो अभी रोज़गार खुली हुई है सबके, जितने भी कोई रोज़गार भी नहीं हुए थे, लोग काम भी नहीं करते थे, उनके लिए भी निकले हैं, यहाँ होटलें बनी हुई हैं, वहाँ काम करते हैं, तो अभी खुदा की तरफ से एक रहमत सा हो गया है। जी, तो बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे अंदाज में एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पर जो है हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, मजीद नई वीडियोस के लिए हमारे साथ रब्ते में रहे। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।